राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हर माह में दो एकादशी तिथि पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी को साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों के व्रत करने के समान फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। विष्णु भगवान को एकादशी तिथि अति प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 मई की दोपहर 1:07 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मई की दोपहर 1:45 पर होगा। इसलिए इस बार निचला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा। इस बार व्रत पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 1 जून की सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक का रहेगा। द्वादशी तिथि 1 जून को दोपहर 1:39 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत का पारण दोपहर 1:39 से पहले अवश्य ही कर लें, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस बार निचला एकादशी पर स्वास्थ्य सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में जो भी व्रत या पूजन किए जाते हैं वह कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। दोस्तों, साल की सभी 24 एकादशियों में से निचला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी है। बिना पानी के व्रत को निचला व्रत कहते हैं और निचला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निचला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। निचला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु लोग भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। जो श्रद्धालु साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है उन्हें केवल निचला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निचला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों के उपवास करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के वे सभी भक्त जो स्वस्थ हैं और व्रत कर सकते हैं, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, कुंवारी कन्याएं हो, कुंवारे युवक हो, सभी को निचला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार पांडव एकादशी। दोस्तों, पांडवों में भीम खाने पीने के अत्यंत शौकीन थे। वह अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे, इसलिए वह एकादशी का व्रत नहीं करते थे। लेकिन उन्हें लगता था कि एकादशी का व्रत ना करके वह भगवान विष्णु का अनादर कर रहे हैं। इस दुविधा से उबरने के लिए भीमसेन महर्षि व्यास जी के पास गए। तब महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को साल में एक बार निचला एकादशी व्रत को करने की सलाह दी और कहा कि निचला एकादशी साल की 24 एकादशियों के तुल्य है। तब भीमसेन ने इस व्रत को रखा। तभी से निचला एकादशी को पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, निचला एकादशी व्रत के महत्व को जानने के बाद आइए अब जानते हैं निचला एकादशी व्रत की विधि। व्रत में किस तरह से पूजन करें, किन नियमों का पालन करें, क्या करें क्या ना करें और निचला एकादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करें। दोस्तों, निचला एकादशी का व्रत भी अन्य एकादशी व्रत की तरह दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। व्रत रखने वालों को दसवीं तिथि के दिन केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन आदि चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि पर सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। दसवीं की रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। निचला एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करें। ध्यान रखें, आज के दिन घर की सफाई करते समय, झाड़ू पोछा करते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इस दिन किसी भी सूक्ष्म जीव की हत्या अगर आपके हाथों से हो जाती है तो इससे आपको महापाप लगेगा। इसलिए हो सके तो व्रत रखने वाले घर में झाड़ू पोछा ना करें। अगर घर में कोई और करने वाला नहीं है तो झाड़ू लगाते समय विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर की सफाई करें। मंदिर में भगवान जी की जितनी भी तस्वीर हैं सभी को साफ कपड़े से पोंछें और भगवान जी की जितनी भी प्रतिमा हैं
उन्हें स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात अब आप भगवान जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और भगवान जी का श्रृंगार करें। हो सके तो आज के दिन भगवान जी को नए वस्त्र पहनाएं। अब आप भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें और दिए के नीचे आज के दिन चावल भी ना रखें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसलिए आज के दिन आप दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा लें या किसी प्लेट में आप दिए को रख दें। दिए के साथ ही एक सुगंधित धूपबत्ती अवश्य ही जलाएं। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। भगवान श्री गणेश जी को कुमकुम से तिलक करें और उनका पूजन करें। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का साथ में पूजन करें। भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। हो सके तो भगवान विष्णु जी को पीले रंग के और माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को फल मिष्ठान अर्पित करते समय आप उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। और भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव जी के लिए आप अलग प्लेट में भोग रखें, क्योंकि तुलसी दल वाले भोग को भगवान श्री गणेश और भगवान शिव जी स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के पश्चात अब आप प्रण करें कि हे प्रभु, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगी और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगी। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगी। भगवान विष्णु जी का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकी नाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। हो सके तो तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करना अति शुभ रहता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या श्रवण करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद व्रत को पूर्ण करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुने। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और उन दोनों वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूजन करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। इसके बाद आप पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के राम नाम का, कृष्ण नाम का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या जो भी आपको भगवान विष्णु जी का मंत्र आता हो, उस मंत्र का आप पूरे दिन मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहें। और संध्या काल के समय आप फिर से भगवान विष्णु जी की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जाप अवश्य ही करें। एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, इसलिए हो सके तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का संकीर्तन करें। अगर नहीं कर सकते तो आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी पर दिन में पूजन करने के पश्चात अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर जल कलश का महादान किया जाता है। इस महादान को करने के लिए एक मिट्टी का कलश लें, उसमें शुद्ध जल भरें। अब इस कलश के मुख पर आप सफेद रंग का कपड़ा बांध दें और कपड़े के ऊपर आप थोड़ी सी चीनी रख लें। इस कलश को पूजन के दौरान मंदिर के पास रखें और पूजन पूर्ण होने के बाद आप इसे किसी ब्राह्मण को दान करें। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है, रोगों से छुटकारा मिलता है, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, उन्हें अविनाशी पद प्राप्त होता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, जीवन सुख में बीतता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के नियम बहुत ही आसान है।
इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही पानी पिया जाता है। यह व्रत निर्जला और निराहार रहकर किया जाता है। द्वादशी तिथि पर घर की सफाई करने के बाद स्नान आदि करके आप अपने मंदिर की सफाई करें। जैसे एकादशी पर आपने भगवान जी को स्नान कराया, इसी तरह स्नान कराएं और उनका पूजन करें। द्वादशी तिथि पर पारण के लिए जो आप भोजन बनाएं, उस भोजन में गाजर, सलजम, गोभी, पालक, प्याज, लहसुन आदि चीजें ना डालें। सात्विक भोजन बनाएं। भोजन बनाकर आप सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। इसके बाद अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण को भी भोजन कराएं, या फिर आप ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा दें। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो दक्षिणा निकाल कर रख दें और बाद में उसे ब्राह्मण को दे दें। दोस्तों, आपने भगवान जी को जिस भोजन का भोग लगाया है उसे ही खाकर आप अपने व्रत को खोलें और व्रत को पूर्ण करें। निर्जला एकादशी के दिन सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए। इसके साथ ही आप नाखून ना काटें, बाल ना काटें और महिलाएं सिर भी ना धोएं। आज के दिन ब्रश भी ना करें और तुलसी जी के पत्ते भी ना तोड़ें। भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के लिए तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके साथ ही आज के दिन क्रोध नहीं करें, मधुर वचन बोलें, किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, फूल पत्ते भी ना तोड़ें, किसी पेड़ को भी नुकसान ना पहुंचाएं और ना ही किसी जीव को नुकसान पहुंचाएं। दसवीं, एकादशी और द्वादशी पर व्रत खोलने तक चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं, एकादशी और द्वादशी पर पारण करने तक आप तामसिक चीजों का सेवन ना और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन आपके द्वार पर अगर कोई कुछ मांगने आता है तो आप भूल कर भी उस व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस विधि से निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। इसके साथ ही आपको सभी एकादशियों के पुण्य का फल प्राप्त होगा। आप अगर अन्य एकादशियों का व्रत नहीं रख पाए हैं तो अन्य एकादशियों पर आपने जो अन्न खाया था वह भी दोष मिट जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप, दुख, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी दूर हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।